फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं रहे। 58 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। राजू श्रीवास्तव के मौत की पुष्टि उनके परिवार वालों ने की। राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। वो वेंटिलेटर स्पॉट पर थे। पिछले 40 दिनों से वो अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे थे। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उन्हें ठीक करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो कॉमेडियन को नहीं बचा पाई। साथ ही उनके फैंस उनके लिए दिन रात दुआ कर रहे हैं, लेकिन राजू श्रीवास्तव सबको छोड़कर चले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते दिनों में कई बार राजू को बुखार आया था। ऐसे में इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए परिवार वालों को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। बता दें कि राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते हुए बेहोश होकर गिर गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें रात से ही बार बार दौरे पड़ रहे थे। डॉक्टरों द्वारा सिर का सीटी स्कैन करवाने पर पता चला कि उनके दिमाग के एक हिस्से में सूजन थी। 15 दिन बाद जानकारी मिली कि उन्होंने अपना एक पैर मोड़ा था, लेकिन उन्हें होश नहीं आया और उनका ब्रेन भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वहीं 10 साल में राजू की 3 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी। पहली बार 10 साल पहले मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में हुई थी और फिर 7 साल पहले मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में हुई और अब फिर से उनकी एंजियोप्लास्टी की गई, लेकिन फिर भी उनका ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। बता दें कि कॉमेडियन राजू ने 2014 में बीजेपी ज्वाइन की थी। विकाम के सिलसिले में दिल्ली पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे। वहीं दिल्ली के साउथ एक्स के कल्ट जिम में सुबह वो वर्कआउट कर रहे थे। इस दौरान ट्रेडमिल पर रनिंग करते समय उन्हें चेस्ट में पेन हुआ और वो नीचे गिर गए। इसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजू हमेशा अपनी फिटनेस पर ध्यान रखते थे और वो फिट और फाइन थे। 31 जुलाई तक वो लगातार शोज कर रहे थे। उनके आगे कई शहरों में शोज भी लाइनअप थे। राजू जी के सेलेब्स और फैंस ने बहुत दुआएं की। अमिताभ बच्चन यानी बिग बी ने राजू श्रीवास्तव को खास ऑडियो संदेश भेजा था। इसमें अमिताभ कह रहे हैं, राजू उठो, बस बहुत हुआ, अभी बहुत काम करना है, अब उठ जाओ, हम सबको हंसाना सिखाते रहो। राजू को ये रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी। अफसोस कि राजू जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।